हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आप अभी के टाइम पे फ्री फायर मैक्स में गेम खेल रहे होगे तो हो सकता है आपको भी उसमें हाइपिंग के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इसमें दो चार ऐसे टिप्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा और आप आराम से गेम को खेल पाएंगे। और वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है ना, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और गाइज, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन में से भी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इंडिया में फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स में हाइपिंग के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो जब भी आप फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग में आना है और ऊपर में बेसिक ही सिलेक्ट होना चाहिए और बेसिक के अंदर यहाँ पर रिपोर्ट नेटवर्क इशू और सेंड रिपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है। इसको हम लोग को एक बार जरूर सेंड कर देना है। जब भी हम लोग ओपन करेंगे फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स, ऐसा जरूर कर देना है। इससे हम लोग का प्रॉब्लम तुरंत तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन इससे डेवलपर टीम के पास हम लोग का नोटिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा जा पाएगा कि इंडिया में सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है और आपका नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन भी उनके पास जाता है। जैसे आप एयरटेल का यूज कर रहे हो या फिर जियो का यूज कर रहे हो, ये सब इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लगभग सभी को ऐसे करेंगे, जब भी पिंग हाई चल रहा है तभी बस करना, अगर पिंग नॉर्मल चल रहा है तब ऐसा मत करना। तो फिर ऐसे करेंगे तो बाद में हम लोग का प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में सॉल्व हो जाएगा, लगभग एक हफ्ते में सॉल्व हो सकता है अगर सभी सभी जल्दी जल्दी करने लगे तो। और उसके बाद हम लोग मोबाइल में अपना नेटवर्क को अच्छा कैसे कर सकते हैं उसका मैं सेटिंग बताता हूँ। आप फ्री फायर में तो इसका कुछ भी इलाज नहीं है, फ्री फायर में कुछ भी इसका सेटिंग नहीं कर सकते। तो देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन ट्राई भी किया हूँ, एक VPN भी ट्राई किया हूँ, यहाँ पर एक और VPN, गेम बूस्टर या फिर नेटवर्क टूल्स वाला है, ये सब एप्लीकेशन को मैं ट्राई किया हूँ। इन सब से मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिला है जिसके जरिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहला काम तो यार, अगर आप अपना नेटवर्क को अच्छा कर सकते हो, जैसे जियो या फिर एयरटेल में स्विच कर सकते हो, अगर कोई भी में नहीं चल रहा है तो दूसरा नेटवर्क में आप स्विच कर लीजिए, उससे आपका नेटवर्क अच्छा हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है जो सबको पता होगा। या फिर अगर आपके घर पे वाईफाई लगा होगा तो प्लान भी अपग्रेड कर सकते हैं जिससे आपका नेटवर्क अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोग ये सब करने वाले हो, अगर ये सब करते तो वीडियो देखते ही नहीं रहते। तो अब बताता हूं मैं आपको सेटिंग जिससे आप अपना नेटवर्क को थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो। तो जैसे आपके पास रेडमी का मोबाइल होगा तो फिर आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा इस तरीके से, सिक्योरिटी के ऑप्शन पे आपको जाना है। उसके बाद नीचे पे आएंगे तो यहाँ पर डेटा यूजेस के एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें हम लोग को जाना है। उसके बाद रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, इसमें हम लोग को जाना है। और उसके बाद आप अगर मोबाइल डेटा से गेम खेलते हैं तो ये सिलेक्ट होना चाहिए, अगर वाईफाई से खेलते हैं तो सेकंड वाला सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मान के चलिए आप मोबाइल डेटा से खेलते हैं और जिस भी सिम में आपका इंटरनेट चलता होगा, सिम वन में चलता होगा सिम वन, सिम टू में चलता होगा सिम टू, सभी को यहाँ पर बारी बारी करके रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं डेटा को, जब भी आप गेम खेलने जाओगे इस तरीके से। सिर्फ और सिर्फ एक मिनट का काम है यार, एक मिनट तो दे ही सकते हो आप अच्छे से गेम खेलने के लिए। तो सभी को यहाँ पर से रेस्ट्रिक्ट कर देना है फ्री फायर को छोड़ करके, ठीक है। इससे क्या होगा आप समझ ही पाए होंगे, इससे सभी एप्लीकेशन हम लोग का इंटरनेट को यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर यूज कर पाएगा। बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, ये सब मैसेजेस को चेक करते रहता है बैकग्राउंड में ताकि कोई भी नया मैसेज आए वो हम तक पहुंच पाए। तो इसमें जितना भी एप्लीकेशन है सबको आपको रेस्ट्रिक्ट कर देना है, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट लगेगा। देख लीजिए, मेरे में सभी एप्लीकेशन को मैं रेस्ट्रिक्ट कर चुका हूं और जिस गेम को हम लोग को खेलना है, चाहे फ्री फायर मैक्स या फिर पबजी, जिसको भी खेलना है उसको बस छोड़ देना है, नहीं तो फिर उसमें भी हम लोग का इंटरनेट नहीं चलेगा। और यहाँ पर मैं सबको सिलेक्ट कर रहा था, ऊपर में तो ऑप्शन भी है यार, एक ही बार में सबको सिलेक्ट कर सकते हैं माई में, इस तरीके से आप सबको एक ही साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिस गेम को आप खेल रहे हैं उसको बस आप डिसलेक्ट कर लीजिए, मतलब उसमें इंटरनेट मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो एक मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड में इस सेटिंग को आप आराम से कर सकते हो। तो ये वाला सेटिंग एमआई मोबाइल के लिए है। अगर आपके पास रेडमी का मोबाइल नहीं है तो फिर आपके पास कोई भी मोबाइल होगा तो तीन तरीके से ये मिल सकता है आपको। उसके लिए आपको एक बार अपने मोबाइल की मेन सेटिंग में जाकर के देखना है। सेटिंग में जाएंगे उसके बाद फिर यहाँ पर मोबाइल डेटा या नेटवर्क करके कुछ भी ऑप्शन रहेगा नेटवर्क से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें हम लोग को जाना रहेगा। इसमें जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको डेटा सेवर का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि रेडमी के मोबाइल में भी डेटा सेवर का ऑप्शन से ही वो सेटिंग मिला है। तो ऐसे ही डेटा सेवर वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, उसमें हम लोग को क्लिक करके अंदर चले जाना है। अंदर जाएंगे तो वहां पर भी आपको रेस्ट्रिक्ट डेटा ऐसा कुछ भी ऑप्शन मिलेगा, अंदर का सेटिंग आप ही को देखना पड़ेगा, लेकिन यहीं पर रहता है। मैं इंटरनेट में सर्च कर चुका हूं, बहुत सारे मोबाइल जो एंड्रॉइड बेस पे रहते हैं ना उन सभी में, काफी सारे मोबाइल में यहीं पर अंदर पे सेटिंग रहता है, लेकिन अंदर का इंटरफेस मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे में वैसा सेटिंग नहीं है। तो अंदर में जाएंगे, वहां पर जितना भी एप्लीकेशन मिलेगा, जैसे मैं एमआई में रेस्ट्रिक्ट किया वैसे ही बाकी सबको कर देना है, सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर को छोड़ देना है आपको। तो ये तो
हो गया दो सेटिंग जो पिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपके में पिंग प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, तो अभी इंडिया में यार फ्री फायर का सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है, तो हो सकते उनके तरफ से ही सर्वर का प्रॉब्लम होगा। तो आप एक बार नेटवर्क स्विच करके भी देख सकते हैं, जैसे एयरटेल में प्रॉब्लम होगा तो आप जियो से कनेक्ट करके खेल लीजिए। ऐसा बात नहीं है आपको जियो का सिम खरीदना पड़ेगा, अगर आपके घर में जियो का सिम है तो कभी जियो में खेल लीजिए, कभी एयरटेल में खेल लीजिए, क्योंकि किसी समय पे एयरटेल में प्रॉब्लम चल रहा है तो किसी समय पे जियो पे चल रहा है। तो आप एक ही सिम को नहीं रख सकते, दोनों सिम रहेगा तो फिर जिसमें प्रॉब्लम चलते रहेगा उसमें उस टाइम मत खेलिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और इतना सब नहीं होता यार, उसके बाद भी आपके में प्रॉब्लम चल ही रहे ना, तो एक वीपीएन में बताता हूँ, इंडिया वीपीएन नाम है इसका। इसमें इंडिया का बहुत सारा सर्वर दिया गया है, जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से आप इजिली इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करोगे उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क का सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें हम लोग को क्लिक करना है, इंडिया के ऑप्शन पे जाना है ऊपर में। यहाँ पर बहुत सारा इंडिया के अलग अलग लोकेशन का सर्वर दिया गया है, तो उसमें आप आराम से कनेक्ट करके देख सकते हो। वैसे वीपीएन जब भी आप कनेक्ट करोगे तो पिंग आपका हाई ही चलता है, ठीक है, वीपीएन पिंग को कम नहीं करता है। लेकिन अगर सर्वर का प्रॉब्लम है, उधर से सर्वर आपके तरफ रेस्ट्रिक्टेड एरिया है आपके तरफ, मतलब इंडिया में भी बैन चल रहे हैं ना फ्री फायर, रेस्ट्रिक्ट होगा, तो उस सिचुएशन में ये आपके लिए अच्छा काम करेगा, मतलब आपका पिंग को ये नॉर्मल कर देगा, एकदम ही कम तो नहीं करेगा लेकिन 70-80 का पिंग आपको इजिली मिल जाएगा, जो 999 वगैरह रहता है वो सब कम हो जाएगा। तो ये सबको भी आप ट्राई करके देख सकते हो, वीपीएन से भी बहुत ज्यादा पिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और एक सेटिंग आप देख सकते हैं, अगर आपके में होगा तो आप एक बार अपने मोबाइल का मेन सेटिंग ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर DNS लिख करके सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे में प्राइवेट DNS का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें से हम लोग को आउटो को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में होगा तो आउटो को जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, इससे भी हम लोग का पिंग प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और अगर ये सब करने के बाद भी आपके में पिंग प्रॉब्लम बना है तो आप एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारा सर्वर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में 2 से 4 सेटिंग ही बताने वाला था, लेकिन उससे भी अच्छा वीडियो वो बनाया हूं और 4 से भी ज्यादा सेटिंग के बारे में बताया हूं। तो अब आपका काम है यार चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन में से भी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए यार अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, अभी के लिए सभी को बाय बाय।